सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पर पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा और बताऊंगा कि क्या वो रीज़न है जिसके कारण लाइफ में इतना ट्रबल या इतना प्रॉब्लम जो है व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे। तो फिंगर की लेंथ जो है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट, जिसके कारण एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी होती है ऐसे लोगों में। जल्दबाजी एवं हड़बड़ी में निर्णय लेने वाले होते हैं और देखने को मिलता है कि बाद में चल करके पछतावे वाली प्रवृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लिटिल फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल वीक होता है। कहीं ना कहीं शर्मिलापन अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा रहता है। प्रॉपरली अपनी बात नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट जैसे दिक्कत परेशानी होना या मन के अंदर ही अपने बात को दबा लेना, इस प्रकार का योग जो थोड़ा ज़्यादा बनता है। रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से कम फॉलो करते हैं। फाइलिंग डॉक्यूमेंट्री भी थोड़ी सी कंप्लीट जो है नहीं रह पाती। बिजनेस एक्यूमेंट्स इससे थोड़ा अफेक्टेड होता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की चर्चा करें तो वो ज़्यादा है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होती है, टीचिंग क्वालिटी होती है, दूसरों को बहुत अच्छा समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, किसी समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ खूब रहती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आड़े हाथ जो है आता है। फिंगर के ऊपर जो है बात करें तो सीधी खड़ी रेखा भी जो है यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जो व्यक्ति को बताता है कि हर स्थिति, हर माहौल एवं हर लोगों से मतलब जो है फ्रेंडशिप या फिर जो हम कह सकते हैं कि बातचीत कर लेने वाले होते हैं। मतलब नैरो माइंडेड थिंकिंग जो है नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे। और जहाँ तक अंगूठे के क्षेत्र की चर्चा करें तो ये शॉर्ट है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला होता है, हड़बड़ी में काम करते हैं। एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी का रीज़न ये भी एक जो है एक ये बेसिकली नेचर है, कैरेक्टर स्केच है, जो कि चाहते हुए भी नहीं बदल सकता। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन इसमें जो है अपने तरफ से थोड़ा सा जो है ध्यान रख करके सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर यव का चिन्ह जो है बन रहा है, जो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये सिक्स्थ सेंस की भी निशानी होती है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आभास भी रहता है कि फ्यूचर में इनके साथ क्या होने वाला है या फिर कब क्या कैसे होगा। एक तो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, स्टडीज़ के फील्ड में बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलता है, मनी जो है ऐसे लोगों के पास अच्छा रहता है। तीसरी बात यह है कि धार्मिक भी बहुत रहते हैं, मतलब जो भी धर्म कास्ट रिलीजन है इनका, उनके प्रति इनका मान सम्मान आदान प्रदान खूब रहेगा, लेकिन उस चीज़ को ये ज़्यादा शो नहीं करेंगे। और जहाँ तक चर्चा करें पहले और सेकंड पर्व की, तो दोनों तकरीबन सेम है। सेकंड पर्व की लेंथ ज़्यादा, जिसके कारण थोड़े लॉजिकल ज़्यादा रहते हैं, पता होता है कि ये चीज़ क्यों कब कैसे हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब अच्छा नॉलेज रखने वाले होते हैं। आते हैं पाम के ऊपर। तो यहाँ पर पाम पर इस प्रकार से एक मैं आउटकर लूँ तो इस प्रकार से जो है स्क्वेरिश पाम थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ चौड़ाई जो है ज़्यादा है। जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति मेहनती खूब होता है और अपने मेहनत और अपने कर्मों के बलबूते पर हर चीज़ को मात दे देते हैं, हर सिचुएशन को फेस कर लेते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम ट्रबल है सबसे निकल जाते हैं और बहुत अच्छा लाइफ में अपना स्कोप और अपना स्टेटस जो है रखने वाले होते हैं। तो ये जो है मेहनत के आगे सब कुछ झुका देने वाला, इनका जो है एक बहुत अच्छी पावर इनके अंदर रहने वाली रहेगी। अब एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो गुरु पर्वत से यहाँ मैं जो है प्रारंभ करना चाहूँगा। तो गुरु पर्वत तकरीबन यहाँ पर जो है अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सर्वप्रथम मैरिड लाइफ जो है ऐसे लोगों की अच्छी देखने को मिलती है। बहुत ही हल्के में यहाँ पर जो है क्रॉस के साइन बन रहे हैं, इतना प्रोमिनेंट लाइन नहीं है, लेकिन ये जब बनता है तो जीवन साथी की ओर से या जो भी मतलब जिससे भी आपका रिलेशन रहेगा वहाँ से फाइनेंशियल, मेंटली, फिजिकली हर प्रकार का जो है सपोर्ट अच्छा मिलते हुए देखने को मिलेगा। गुरु पर्वत अच्छा है, जिसके कारण सुख सुविधा ऐशो आराम रहेगी। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा जो है दयालुपन को भी व्यक्त करता है। व्यक्ति धार्मिक तो खूब होता ही है, लेकिन दयावान भी होता है, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं और एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग के भी योग जो है बनते हुए देखने को मिलते हैं। वहीं हल्की हल्की कुछ यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो ये थोड़ा सा जुनून को भी व्यक्त करती है। और लाइफ लाइन से भी थोड़े से झुकाव जो है इस प्रकार से निकले हुए हैं, जो बताते हैं कि किसी भी काम में एफर्ट्स आप अपने तरफ से 100% डालने वाले रहेंगे। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि का माउंट यहाँ पर अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लाइफ में सेटिस्फेक्शन तो आपके रहेगी,
संतुष्टि पूरी रहेगी जीवन में, कुछ भी हो जाए लेकिन एक जो इच्छा मनोकामना है आपकी वो तकरीबन सभी पूरी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो फेट लाइन की मैं चर्चा करूँ तो फेट लाइन का उद्गम हो रहा है यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से और इस प्रकार से निकलते हुए सीधे गई है और एक जो झुकाव लिए है वो है गुरु की तरफ से। तो यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि जब चंद्र यानी मून की तरफ से जब फेट लाइन निकलती है तो ऐसे लोगों को बाहरी दुनिया बाहरी लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और अपने जन्म स्थान से दूर जा करके यानी फॉरेन में ही बहुत मतलब इनका सक्सेस लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ जीवन साथी के आने के बाद ही ऐसे लोग अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलते हैं। एक रेखा का झुकाव शनि पर है, एक रेखा का झुकाव गुरु यानी जुपिटर पर है। तो जुपिटर पर होने वाला ये साइन बताता है कि थोड़ा जो है ऐशो आराम के बहुत आप प्रिय रहेंगे, सुख सुविधा जो है जीवन में एक जो मोटिव होता है व्यक्ति का, आपका मोटिव बेसिकली यही रहेगा सुख सुविधा ऐशो आराम, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एक मोटिव रहेगा वो है इज्जत रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान। इसके पीछे भी आपका जो है मेन मोटिव रहने वाला रहेगा जो कि आपको अच्छा खासा मात्रा में मिलने वाला भी रहेगा। फिर हल्की सी यहाँ पर जो है फेट लाइन फिर स्टार्ट होते हुए इस प्रकार से गई है, झुकाव वापस से दोनों की तरफ है, तो ये मोटिव लाइफ टाइम ही रहने वाला रहेगा आपका। और कहीं ना कहीं प्रोफेशन में जो है चेंजेस होगा आपके 35 एज के आसपास में आते आते तक, मतलब 30 के बाद से ही प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस के योग बनेंगे, लेकिन कम से कम 2 से 3 आप जो है प्रोफेशन अपने लाइफ में चेंज करने वाले रहेंगे। धन की कोई कमी नहीं है, धन अच्छा है और एक से ज़्यादा सोर्स से मनी इनकम आपका जो है रहना मतलब रहने वाला रहेगा। और जहाँ तक यहाँ पर चर्चा करें सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रहना रेखा होना शुभ नहीं होता है, ये माइंड डाइवर्ट करने वाला एक जो चिन्ह है वो बताता है कि माइंड जो है आपको बहुत जल्दी डाइवर्ट होने वाला रहेगा और डिसीजन जो है प्रॉपरली आप ले नहीं पाएंगे, किसी ना किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या किसी ना किसी के मदद के द्वारा ही आप डिसीजंस ले पाएंगे और एक से ज़्यादा मतलब एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदि भी होते हैं आप जैसे लोग। तो यही रीज़न है कि किसी भी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट जो है नहीं बन पाते या प्रोफेशन एक ही प्रोफेशन में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाते। प्रोफेशन जो है खूब चेंजेस करेंगे, मेंटली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे और किसी भी एक फील्ड में प्रॉपरली जो आपको एक महारत हासिल होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, यही एक रीज़न है। क्योंकि भटकाव जो है जीवन में बहुत रहेगा, उपाय में इसके रेमेडीज़ जो बनते हैं मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, वो करने से बहुत लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और अच्छा खासा जो है जीवन शैली भी रहेगी। मरकरी माउंट की चर्चा करें तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा जो है आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है आप जैसे लोगों में कि लोगों को अट्रैक्ट कर लें या फिर उनको बांधे रखें, तो ये बिजनेस एक्यूमेंट्स को भी स्ट्रांग करता है। फिंगर तो बहुत शॉर्ट है, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन ये अच्छा साइन होता है। दूसरा, हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी होती है, किसी डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से किसी को मनवा लेना, ये नेचर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ख़ासकर जो मेडिसिन या हम कह सकते हैं कि मेडिकल जो लाइन होती है इस लाइन में भी बहुत बेहतरीन प्रोग्रेस मिलता है, या साइंस के फील्ड में जिसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की गेन की ज़रूरत पड़ती है उस फील्ड में अच्छा सक्सेस मिलता है। अब आते हैं सीधे हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से इस प्रकार से प्रारंभ हो रही है और इस प्रकार से आगे तक चल रही है, फिर आगे प्रॉब्लम है। तो गुरु के क्षेत्र से जब प्रारंभ होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होता है, भावुकता बहुत ज़्यादा होती है, भावुकता के कारण ही मात खा जाता है जीवन में, क्योंकि जो जो आप डिसीजंस लेंगे वो ज़्यादातर दिल के द्वारा लेंगे, दिल की ज़्यादा सुनने वाले होंगे कंपेरेटिवली, माइंड की या प्रैक्टिकल माइंड की जो है कमी रहेगी। यही रीज़न है कि लोग आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठा जाते हैं, काम निकलवा जाते हैं, धोखा मिलने के योग ज़्यादा बनते हैं, मतलब यूज़ जो है अच्छा खासा आप जैसे लोगों का हो जाता है। आप अपने तरफ से 100% देंगे रिलेशन में परंतु मिलना नहीं है, क्योंकि उसका एक यही डिमेरिट है कि आपके जो हृदय रेखा है यहाँ से रेखाएं नीचे की ओर खूब आ रही हैं, और जब रेखाएं नीचे की ओर आती हैं तो ये उसी प्रॉब्लम को शो करती है, मतलब इमोशनल सेटबैक की निशानी होती है, किसी एक कुछ ना कुछ ऐसा भावुकता कुछ ना कुछ ऐसी घटित हो गई जो थोड़ा दिल को ठेस पहुँचा दे, जब उससे उभरे तो वापस से कुछ हो गया, जब उससे उभरे तो वापस से कुछ हो गया। तो हेल्थ रिलेटेड ट्रबल्स को भी यही आमंत्रित करती है, और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं और ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको 60s के बाद जो है बहुत ज़्यादा देखने को फेस करने को मिलेंगे। रेमेडीज़ में इसकी भी दूंगा आपको, सबके आपको जो है बराबर करने रहेंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं सीधे माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन जो है यहाँ बेसिकली इंडिपेंडेंट है, तो थोड़े ज़िद्दी किस्म के आप रहेंगे, अपने ज़िद्द के आगे किसी की नहीं सुनेंगे, और इंडिपेंडेंसी भी अपने लाइफ में खूब चाहेंगे, यानी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना आप जैसे लोगों को पसंद होता है।
अब यहाँ माइंड लाइन पे बहुत छोटे छोटे जो है द्वीप बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से द्वीप बनते हैं तो ये मेंटल टेंशन एवं डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, जो बेसिकली आपको 20 केज में देखना रहेगा। और फिर उसके बाद 33 के लमसम में आते आते था एक और जो है कुछ ना कुछ डिप्रेशन या प्रॉब्लम को फेस करना रहेगा। उसके बाद से जो माइंड लाइन है वो चल रही है इस प्रकार से, और उसको जो है यहाँ पर रेखाएँ जो है राहु लाइन जो हैं बहुत ज़्यादा काट रही हैं। अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, एक माइंड लाइन का टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ पहले, तो ये माइंड लाइन जो है इस प्रकार से आगे तक जा रही है, ये यहाँ पर अच्छा चिन्ह यहाँ पर बन गया है। माइंड लाइन जब यहाँ पर जो है पॉजिटिव मार्स तक पहुँच जाए यानी बाहरी मंगल तक आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपने लाइफ में आप लॉजिकल खूब रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, सीधे तौर पर बातचीत करना पसंद रहेगा, सीधे तौर पर सोचेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बेहतरीन सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग स्टडीज एवं स्टडीज़ में सक्सेस तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, जिसके कारण हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम ट्रबल्स को जो है फेस कर जाएंगे एवं उससे जो है निकल जाने वाले रहेंगे। अब मैं जो मेन टॉपिक पर आना चाहता हूँ वो है कि लाइफ में इतना क्यों प्रॉब्लम फेस करना होता है। ये यहाँ पर जितनी भी आप देख पाएंगे छोटी छोटी रेखाएँ यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो काटेंगी, जो यहाँ पर काट रही हैं ये छोटी छोटी रेखाएँ, ये हर चीज़ को काट रही हैं, हर चीज़ को। यानी अभी मैं बताता हूँ, ये आपका जो है लाइफ लाइन है, माफ़ करें, ये आपका लाइफ लाइन है, फिर ये आपका लक लाइन है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है माइंड लाइन। तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, आपके लाइफ को बताता है कि कब किस उम्र में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या घटित होगा। लक लाइन बताता है आपके भाग्य, फेट, वेल्थ, इनकम, लक, इन सबको, प्रोफेशन को। और माइंड लाइन आपके मस्तिष्क को बताता है कि कब इसमें कैसा, मतलब ब्रेन काम करेगा, मन कैसा रहेगा और कब क्या होने वाला रहेगा। जब राहु लाइन इन तीनों का इफेक्ट करे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अचानक से प्रॉब्लम जो लाइफ में आती है उसका रीज़न यही होता है, क्योंकि राहु और केतु ये जो है शेडो प्लैनेट्स होते हैं, और जब इस प्रकार से ये तीनों को अफेक्ट करें या तीनों को काटें तो ऐसे लोगों के लाइफ में अचानक से ऐसे चीज़ें घटित होती हैं जो कभी सोची भी ना हो या जिसका कभी उम्मीद भी ना किया हो। अब यहाँ पर इनके हाथ में एक अच्छी चीज़ यही देखने को मिली, मैं यही ढूंढता हूँ और मुझे ये मिल जाता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये जो है मंगल रेखा हो, नहीं तो गार्जियन एंजल लाइन हो, नहीं तो सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से हल्की हल्की हो, तो ये जो है दूसरों के सपोर्ट को इंडिकेट कर देता है, दूसरों के और उससे सर्वप्रथम ऊपर वाले के, कि चलो इतना प्रॉब्लम जीवन में आ रहा है लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करना या उस प्रॉब्लम को फेस करने में किसी का सपोर्ट मिल जाना बहुत अच्छा माना जाता है। वो प्रॉब्लम कैसे आएगी और कैसे जाएगी व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो यहाँ यही अच्छी बात है कि जब भी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो किसी ना किसी का सहयोग मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा या सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण उस दिक्कत कष्ट परेशानी से ये जो है निकल जाएंगे। तो ये जो है बहुत ही शुभ चिन्ह मुझे देखने को मिलता है। ये बेसिकली सपोर्टिव लक लाइफ लाइन होती है जो लाइफ को बैक से सपोर्ट करती है, मतलब कोई ना कोई पीछे हमेशा जो है आपके खड़ा रहेगा। अब ये जो राहु लाइन से इसका क्या उपाय है, राहु के तो उपाय करने ही रहेंगे लेकिन राहु रिलेट करता है डायरेक्ट शनि से, तो शनि भी इसके लिए स्ट्रांग एवं अच्छा करना रहेगा, तो इसीलिए उसके भी उपाय जो है करने रहेंगे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो ये जो है राहु लाइन के अफेक्ट होते हैं, और राहु रेखा का सबसे मेन अफेक्ट यही होता है कि कुछ भी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती, कब क्या जीवन में कब कैसे क्या कहाँ कब जो है घटित होगा ये कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। लाइफ लाइन को अफेक्ट कर रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सर्वप्रथम आएगी, कुछ ना कुछ ट्रबल्स नाकामी मिलेगा। लक लाइन को अफेक्ट कर रहा है, सीधे सीधे प्रोफेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, उठा पटक करेगा, यानी प्रोफेशन में चेंजेस के योग बहुत बनेंगे, स्थानीय चेंजेस भी बहुत होते हैं, मन में अशांति रहेगी, स्टेबिलिटी जो है नहीं रह पाएगी, और माइंड को अफेक्ट करता है यानी मेंटल टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन, इन सब के भी शिकार होते हैं। डराने का कोई मकसद नहीं है, जो फैक्ट है वही आपको बताना है। तो ये जो है प्रॉब्लम इस प्रकार से लाइफ में जो है फेस जो है कर रहे हैं। फिर लाइफ लाइन इस प्रकार से निकली है और लाइफ में एक जो है जो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, तकरीबन 50 क्रॉस के बाद हो रहा है, जो लाइफ में थोड़ा सुधार देगी, और झुकाव जो है यहाँ पर शुक्र की तरफ है, तो फैमिली सपोर्ट अटैचमेंट जो है ज़्यादा थोड़ा रहेगा आपका। फिर यहाँ से एक रेखा निकल के जो है इस प्रकार से ऊपर की ओर जा रही है, तो बिजनेस एक्यूमेंट्स को बढ़ावा देती है, बिजनेस लक बढ़ाती है, तो व्यापार में जो है अच्छे प्रोग्रेस के योग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट आप जाएंगे इस में,
अंदरूनी मंगल वीक है जिसके कारण शारीरिक गठन बलता जो है कमज़ोर होती है। बाहरी मंगल अच्छा है जिसके कारण दूसरों को कंफर्ट अच्छा दे देंगे, यानी जिससे भी बातचीत करेंगे तो अच्छा घुल मिल जाएंगे और मेंटल जो स्ट्रांग है वो तो आप रहने वाले ही हैं। शुक्र पर्वत तकरीबन यहाँ पर नॉर्मल है तो एक्सपेंसेस जो हैं थोड़े से कहीं ना कहीं हावी रह सकते हैं। अदरवाइज़ शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत जब अच्छे होते हैं तो सुख सुविधाएं जो है जीवन में अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। केतु माउंट यहाँ पर नॉर्मल है, ट्रैवलिंग के योग भी बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से आड़ी रेखा जो है ये फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस को बहुत बढ़ा देती है। फॉरेन ट्रैवलिंग एवं फॉरेन में रसने बसने का भी योग जो है बहुत बेहतरीन बनता है। तो विदेश यात्रा खूब रहेगी परंतु मन में अशांति थोड़ी सी रहेगी और राहु थोड़ा सा यहाँ पर अफेक्टेड ज़्यादा है। मनी ट्रायंगल की जहाँ तक चर्चा करूँ तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर ओपन ही है, ज़्यादा क्लोज नहीं है, कहीं ना कहीं से ओपन है। तो धन का थोड़ा सा जो है खर्च ज़्यादा रहेगा, धन जो है रुक नहीं पाएगा। इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि वो पैसा बढ़ाएगा भी एवं उससे पैसा रुकेगा भी और अच्छा प्रोग्रेस भी लाइफ में मिलेगा। तो जैसा चल रहा है सब चलने दीजिए, रेमेडीज जो मैं दूंगा वो आपको करने रहेंगे और तकरीबन आप अपने लाइफ में हर सिचुएशन फेस कर जाएंगे, ज़्यादा कुछ ट्रबल नहीं होगा। ये पहला रीज़न है सपोर्टिव गार्जियन एंजल लाइन मंगल रेखा और दूसरा है वो मंगल तक पहुंचने वाले आपकी मस्तिष्क रेखा। ये दोनों ही मेंटली स्ट्रांग और कहते हैं मतलब कह सकते हैं कि बैक से बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि हर सिचुएशन फेस कर जाएंगे और ज़्यादा ट्रबल्स फिर नहीं आपको जो है रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गया हो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।